नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम उपाध्याय और आप देख रहे हैं नुक्ता चीन। आज बात करते हैं नेटफ्लिक्स की नई ओरिजिनल फिल्म बुलबुल के बारे में। ये एक हॉरर फिल्म कतई नहीं है, बल्कि एक सुपर नेचुरल फिल्म है जो कि चुड़ैल से जुड़ी सामाजिक अवधारणाओं को बदलते हुए एक कायदे की फेमिनिस्ट फिल्म का रूप लेती है। हालांकि इसमें कमियां भी हैं और उन्हीं को जानने के लिए इस रिव्यू को आखिर तक जरूर देखिएगा। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि बुलबुल को अगर आप हॉरर फिल्म की तरह देखेंगे, जिसमें रूह कपा देने वाले दृश्य हों, जंप स्केयर्स हों जो रोंगटे खड़े कर दें, तो फिर आप घोर निराश होंगे। इसे भले ही हॉरर फिल्म की तरह बेचने का अति उत्साह दिखाया गया है, लेकिन असल में ये परी की तरह हॉरर फिल्म न होकर अनुष्का शर्मा के ही प्रोडक्शन की दूसरी फिल्म फिलौरी की तरह एक सुपर नेचुरल फिल्म है, जिसका मिजाज फिलौरी से बिल्कुल उलट होकर गंभीर और रिवेंज थ्रिलर के किस्म का है। ये फिल्म उल्टे पांव वाली चुड़ैल की पारंपरिक कहानी को सुपर नेचुरल एलिमेंट के तौर पर इस्तेमाल करती है और 19वीं सदी की एक पीरियड सेटिंग के माध्यम से महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों का खौफनाक खाका खींचती है। इस मायने में अगर बुलबुल एक हॉरर फिल्म है भी, तो इसका हॉरर किसी भूत प्रेत से नहीं जन्मा है, बल्कि ये मारकता से समाज के उस हॉरर को दिखाती है जिसमें गहनों से लाद दिए जाने के बावजूद महिलाओं की स्थिति निम्न दर्जे की बना दी जाती है। यानी कि इस फिल्म में असली हॉरर महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों से पैदा होता है और फिल्म का टाइटल बुलबुल भी उस बुलबुल का प्रतीक बनता है जो कि कैद में रहने को मजबूर है। साथ ही साथ इस टाइटल के एक और मायने भी हैं, वो बुलबुल जो पिंजरे में न रहकर पेड़ों के बीच रहना चाहती है, खुले आसमान में उड़ना चाहती है। इसी मायने को निर्देशिका अन्विता दत्त ने बड़े कमाल अंदाज में अपनी कहानी में शामिल किया है और चुड़ैल से जुड़ी पारंपरिक दंत कथा को सर के बल पलटते हुए फिल्म को एक अनूठा फेमिनिस्ट रंग रूप दिया है। यही अनकन्वेंशनल अप्रोच बुलबुल की सबसे बड़ी खासियत है। करीब 1.5 घंटे की बुलबुल असल में चंद किरदारों वाली एक छोटी सी फिल्म है जिसका फैलाव बहुत सीमित है, इसलिए इसकी कहानी के बारे में थोड़ी बहुत भी चर्चा करना फिल्म देखने का मजा आपके लिए बेहद कम कर देगा। इसलिए मेरी मजबूरी है कि इशारों में थोड़ी बहुत बातें करने के अलावा मैं ज्यादा गहराई में उतर कर इस फिल्म की विवेचना नहीं कर सकता हूँ। बहरहाल इसकी कहानी जितनी संवादों के सहारे चलती है, उतनी ही विजुअल्स के सहारे भी ये आपको खुद ब खुद अपने रहस्यों के क्लू देते चलती है। इसमें ढेर सारा सिम्बोलिज्म है जो कभी सुर्ख लाल रंग से जुड़ा है, तो कभी घने लंबे बालों से, तो कई कई बार केवल पैरों से। निर्देशिका अन्विता दत्त ने बिना संवादों का सहारा लिए इन्हें विजुअली कहानी में स्थापित किया है और शुरुआत से ही दर्शकों के लिए इन्हें डिकोड करने के लिए छोड़ दिया है। सबसे दिलचस्प है कि इन विजुअल क्लूज को आप आसानी से डिकोड कर भी सकते हैं और इससे पता चलता है कि अन्विता दत्त ने जानबूझकर फिल्म को सस्पेंस थ्रिलर नहीं बनाया है, जिसमें अक्सर यही होता है कि पूरी की पूरी फिल्म आखिर के एक तगड़े सस्पेंस पर टिक जाती है। बुलबुल का जो सस्पेंस है वो आप पहले ही भांप लेंगे और ये बाय डिजाइन है, यानी कि फिल्मकार चाहती हैं कि आप फिल्म को सिर्फ एक सस्पेंस के लिए ना देखें, बल्कि उसकी सोशल कमेंट्री को ज्यादा तवज्जो दें। बुलबुल देखने में एक बेहद खूबसूरत फिल्म भी है और ये बड़ी चतुराई के साथ सुंदरता और भयानकता के बीच कॉन्ट्रास्ट पैदा करने में सफल रहती है। सुंदर सुंदर दृश्यों में आपको भयानक चीजें होती हुई या तो नजर आती हैं, या कोई भयानक संवाद सुनने को मिलता है, या फिर किरदारों की व्यथा कथा संजय लीला भंसाली से प्रेरित इस दुनिया में आग लगाती हुई प्रतीत होती है। इस फिल्म में विजुअली जो चीजें आपको अलग से लुभाएंगी वो है मीनल अग्रवाल का प्रोडक्शन डिजाइन, सिद्धार्थ दीवान की सिनेमाटोग्राफी और लाल सिंदूरी रंग का प्रभावी उपयोग। यहां तक कि फिल्म में चांद भी लाल रंग का नजर आता है, लेकिन खास बात है कि कई सारे दृश्यों में इस चटक सिंदूरी रंग का उपयोग करना सिर्फ फिल्म को स्टाइलिश दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि ये लाल रंग भी एक प्रतीक है जिसका खुलासा वक्त आने पर खुद ये फिल्म खिड़की के पास खड़े होकर करती है। अभिनय की बात करें तो एक हवेली के इर्द गिर्द घूमने वाली इस फिल्म में बेहद कम किरदार है। चूंकि पूरी फिल्म मुख्यता से तृप्ति डिमरी के किरदार बड़ी बहू के इर्द गिर्द घूमती है और फिल्म की लंबाई भी बेहद कम है, इसलिए बाकी मुख्य किरदारों को कम ही स्क्रीन टाइम मिलता है, लेकिन बावजूद इसके सभी ने बेहद प्रभावशाली काम किया है। परमव्रता चट्टोपाध्याय
डॉक्टर की एक सहायक भूमिका में हैं और वे अभिनेता इतने अच्छे हैं कि छोटे रोल में भी निराश नहीं करते हैं। छोटी बहू की भूमिका में पाओली दाम कमाल काम करती हैं और दो बदलावों से गुजरने वाला उनका किरदार जहां एक तरफ जलन को मारकता से अभिव्यक्त करता है तो वहीं अपनी खुद की मजबूरी को भी वे एक बेहद डिस्टर्बिंग सीन में कुशलता से सामने लाती हैं। नेगेटिव रोल्स में कम नजर आने वाले राहुल बोस कम बोलकर ज्यादा कहने और करने वाले ठाकुर के रोल में हैं और कम स्क्रीन टाइम मिलने के बावजूद लाजवाब काम करते हैं। उनका एक स्लो मोशन वाला सीन है जिसमें अमित त्रिवेदी का बनाया हुआ उदास संगीत लगातार बजता है। उस सीन को देखकर शर्तिया आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस कमाल अभिनेता को मजबूत किरदार देने में हमारी फिल्म इंडस्ट्री जो कंजूसी दिखाती है उसे नहीं मालूम कि ये उसका अपना खुद का नुकसान है। अविनाश तिवारी नायिका के बचपन के दोस्त सत्या के रोल में है और लैला मजनू में पसंद की गई उनकी और तृप्ति डिमरी की जोड़ी को यहाँ रिपीट किया गया है। उनका भी रोल बाकियों की तरह छोटा सा ही है लेकिन वे परफॉर्मर इतने तगड़े हैं कि कैरेक्टर ग्राफ साधारण होने के बावजूद अपनी तरफ बराबर ध्यान खींचे रहते हैं। हालांकि ये गौर करने वाली बात है कि लैला मजनू में जिस स्तर का इंटेंस और असरदार काम उन्होंने किया था उसके बाद उन्हें घोस्ट स्टोरीज और बुलबुल जैसी फिल्मों से बेहतर रोल मिलने चाहिए थे। वहीं दूसरी तरफ लैला मजनू के समय तृप्ति डिमरी एक रॉ टैलेंट थी जिनके अभिनय में कई कमियां साफ साफ नजर आई थीं। लेकिन बुलबुल देखते हुए आपको जो तृप्ति नजर आती है वो अभिनय की लंबी साधना के बाद परिपक्व हुई एक अदाकारा है। बड़ी बहू के अपने रोल में उन्होंने जिस खूबसूरती से अपने चेहरे और बड़ी बड़ी आंखों का उपयोग इमोशंस को अभिव्यक्त करने के लिए किया है वो बहुत सारी तारीफों का हकदार है। बाल विवाह की बेड़ियों में जकड़ा उनका किरदार मुख्यता से दो बदलावों से गुजरता है और सीधी साधी भोली भाली लड़की से लेकर समझदार हो चुकी तेज तर्रार बड़ी बहू तक के ये बदलाव तृप्ति डिमरी बेहद परिपक्वता से पर्दे पर उतारती हैं। अगर लैला मजनू से हम लोगों ने अविनाश तिवारी को डिस्कवर किया था तो बुलबुल वो फिल्म कहलाएगी जिसने तृप्ति डिमरी को रीडिस्कवर किया है। मेरी तरफ से दमदार नायिका वाली और चुड़ैल की पुरानी अवधारणा को नए मायने देने वाली बुलबुल को 3 स्टार। चलते चलते फिल्म की कुछ कमियों पर नजर डाल लेते हैं। एक तो इसका क्लाइमैक्स उतना असरदार नहीं है जितना कि इस तरह की एटमॉस्फेरिक और सुपरनेचुरल फिल्मों का होना चाहिए। जितनी मेहनत से अन्विता दत्त ने अपने किरदारों को गढ़ा है और उनकी लाल रंग में डूबी दुनिया को तैयार किया है उतनी मेहनत क्लाइमैक्स में देखने को मिलती नहीं है और ये परेशानी कई सारी हिंदुस्तानी हॉरर और सुपरनेचुरल फिल्मों के साथ कई समय से पेश आती रही है। आप याद कीजिए एक थी डायन नाम की फिल्म ने क्या शानदार अंदाज में अपनी रहस्यमय दुनिया रची थी और तमाम शेड्स वाले किरदार मेहनत से गढ़े थे लेकिन फिर क्लाइमैक्स में पहुंचकर उस फिल्म ने रामसे ब्रदर्स की हॉरर फिल्मों वाला IQ अख्तियार कर दिल खट्टा कर दिया था और वो संपूर्णता में एक बढ़िया फिल्म बनते बनते रह गई थी। कुछ कुछ यही दिक्कत बुलबुल के साथ है जो कि गुजरते वक्त के साथ इसके यादगार फिल्म बन जाने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है। एक दूसरी कमी फिल्म की लंबाई भी है। वैसे तो छोटी अवधि की हिंदी फिल्में बन पाना एक दुर्लभ घटना होती है इसलिए ऐसे प्रयासों की तारीफ होनी चाहिए लेकिन बुलबुल के केस में 1.5 घंटे की अवधि की वजह से मुख्य नायिका के किरदार को छोड़कर बाकी कोई भी और किरदार बड़ी बहू के स्तर पर एक्सप्लोर नहीं हो पाया है जबकि राहुल बोस से लेकर अविनाश तिवारी और परमव्रता चट्टोपाध्याय तक के किरदारों में गहरे उतरकर एक्सप्लोर किए जाने की काफी सारी संभावनाएं मौजूद थीं। फिर इस कम अवधि की वजह से फिल्म अपने आखिरी हिस्से में जैसे बहुत जल्दबाजी में कहानी खत्म करती हुई नजर आती है। इसका क्लाइमैक्स बेहतर हो सकता था और ओवरऑल फिल्म की गुणवत्ता बढ़ सकती थी अगर आखिरी हिस्से की लिखाई पर ज्यादा मेहनत की गई होती। बाकी अगर फिल्म देखने के बाद आपको कोई और भी कमी नजर आए तो कमेंट करके बताइएगा जरूर। धन्यवाद।